राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में श्री कृष्ण द्वारका की चौखट पर बैठकर यही बातें कर रहे होते हैं कि राधा, मेरे और तुम्हारे प्रेम का ये दीपक जब तक प्रज्वलित रहेगा तब तक हम दोनों के बीच से आने वाली कोई भी परेशानी किसी को हानि नहीं पहुँचा सकती। यहाँ पर राधा श्री कृष्ण को ढूंढ रही होंगी क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट नहीं की होती है, इसीलिए वो सबसे पहले बलराम राव के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या आपने कान्हा को देखा है। तभी बलराम राव ऑलरेडी क्रोधासुर के मोह क्रोध में लीन हैं और वो राधा से कहते नजर आते हैं कि कान्हा कौन सा मुझसे बताकर के सारे कार्य करता है जो मुझे पता होगा, मुझे नहीं पता कान्हा कहाँ है। फिर राधा श्याम के पास जाती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने कृष्ण को देखा है। तभी श्याम ऑलरेडी यहाँ पर लोभासुर के लोभ में लीन है और वो राधा से कहते नजर आते हैं कि आप खामखा ऐसे व्यर्थ प्रश्न पूछकर के मेरा और अपना समय व्यर्थ ना करें। वैसे भी इस पूरे राज्य के कार्यभार संभालने वाले तो दाऊश्री हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछती कि पिताश्री कहाँ हैं, क्योंकि उनको तो हर चीज़ की खबर होती है। फिर राधा उदास हो जाती हैं क्योंकि कृष्ण का पता नहीं चलता। फिर वो सोचती हैं कि क्यों ना वो रुक्मिणी से जाकर पूछें, और वो रुक्मिणी के कक्ष में जाती हैं। लेकिन यहाँ तो राधा के ऊपर उल्टा रुक्मिणी भड़क जाती हैं और कहती हैं कि क्यों राधा, तुमसे तो वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना, मुझसे भी अधिक, तो तुम्हें नहीं पता अगर कि वो कहाँ है तो मुझे भला कैसे पता होगा। और राधा उदास होकर के वहाँ से चली जाती हैं और सोचती हैं कि न जाने कान्हा कहाँ चला गया है। जैसे ही वो बाहर आती हैं वो देखती हैं कि वो जो अंतिम दिया होता है उसकी लौ डबडबा रही होती है, और राधा दौड़ कर जाती हैं और उस दिए की लौ को संभालती हैं और कहती हैं कि मुझे याद है कृष्ण, तुमने कहा था कि मेरे और तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, और जब तक हम दोनों का प्रेम है मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा को श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज़ आती है, और तभी राधा सबको इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों को कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आ रही है। तभी सब कहते हैं कि नहीं, हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और बलराम दाव कहते हैं कि देखो राधा, समय व्यर्थ मत करो, ना तो मुझे कान्हा से मिलना है, तुम लोगों को मिलना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मेरा कान्हा से मिलने का कोई भी मन नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर राधा सबसे कहती है कि क्या आप लोग चलेंगे, लेकिन कोई भी राधा के साथ नहीं चलता और राधा अकेले आती हैं। जैसे ही राधा भागते हुए बाहर आती हैं वो कृष्ण को खड़े देखती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम यहाँ खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हो। तभी कृष्ण कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो राधा, सब ठीक होगा। राधा कहती हैं कि देखो, सिर्फ मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने कोई भी नहीं आया, इसका मतलब तुम समझ रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि हो सकता है मेरे बांसुरी के स्वर उन तक ना पहुँचे हों, एक काम करते हैं तुम भी मेरे साथ मिलकर के बांसुरी बजाओ, और क्या पता फिर सबके कानों में हमारी बांसुरी के स्वर गूंजे। राधा मान जाती हैं और दोनों यहाँ पर राधा कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, जिसे देखकर महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और जितनी भी माया होती है वो सब वापस से ठीक होने लगती है, यानी कि रिवर्स में आपको सीन्स दिखाए जाएंगे और एक बार फिर से सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। यहाँ पर जितने भी ये असुर हैं ये राधा और कृष्ण की बांसुरी सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में लीन हो जाते हैं कि अब ये हमारा माया जाल तोड़ रहा है, और बांसुरी की धुन सुनकर एक एक करके सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और सबका जो मोह है वो टूटने लगता है। यहाँ पर जो कली के साथ में मिले हुए असुर हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी समस्त शक्तियों को एक बार पुनः इकट्ठा करूंगा और लगा दूंगा, लेकिन कृष्ण द्वारका वासियों से ये मोह नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, ये देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हैं कि मेरे आराध्य का जो जादू है वो चल रहा है। धीरे धीरे सबकी मूर्छा टूटती है और जो जो जिस मोह में होता है, जिस जिस लोभ में होता है, वो सब खत्म होने लगता है। तभी सारे असुर मिलते हैं और एक असुरी शक्ति को उत्पन्न करते हैं, द्वारका वासियों को फिर से वो अपने अपने जाल में फंसा लेते हैं। देखा तुमने कृष्ण कैसे सब लोग इस लोभ में आ चुके हैं और हमारे साथ में यहाँ कोई भी खड़ा नहीं है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब यहाँ पर समय के उपरक्त ही होता है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ, वो कहानी है राम अवतार की। यहाँ पर वैसे तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन शो में दिवाली अभी आना बाकी है, और इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी सुनाने वाले हैं श्री कृष्ण राम अवतार लेकर के, यानी कि राम जी की कहानी यहाँ पर शुरू होगी। कृष्ण जी कहते हैं राधा से कि शर्त ये होगी कि मैं कहानी सुनाऊंगा जब तक, तब तक तुम्हें बांसुरी लगातार बजानी होगी। राधा कहती हैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर के कोई नहीं आया और ना ही कोई रुका, मेरी बांसुरी की धुन से क्या होगा,
तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह कली ने कलयुग लाने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को इन असुरों को दे दिया है, उसी तरह मैं भी अपनी राधा को अपनी समस्त शक्तियां दूंगा ताकि वो मेरे कार्य में सहायता कर पाए। और ऐसा ही होता है, श्री कृष्ण राधा रानी को कुछ एक्स्ट्रा पावर देते हैं, जिसके बाद राधा रानी बांसुरी बजाना शुरू करती हैं और श्री कृष्ण कथा का आरंभ करते हैं। और इसका असर ये होता है कि जो भी कुछ जाने वाले लोग होते हैं वो मुड़कर अपने आप आना शुरू कर देते हैं। और इस बार फिर से ये चमत्कार देखकर सारे असुर गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी शक्तियां और बढ़ाते हैं और सब पर एक बार फिर से अपनी असुरी शक्तियों का प्रभाव जारी करते हैं। लेकिन इस बार किसी पर भी कोई असर नहीं होता और सभी लोग सारे मोह से भंग हो जाते हैं। ये सब देखकर के शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण जो कुछ कर रहा है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। द्वारका पर तुम लोगों का जो भी मोह है, जो भी जाल है, उसे समाप्त नहीं होने देना है। इसके लिए तुम और ज़्यादा प्रयास करो। और यही सब दिखाया जाएगा जहाँ पर श्री कृष्ण राम अवतार की कहानी बोलना शुरू करेंगे और सभी उस कहानी में लीन हो जाएंगे। वैसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।